जबलपुर साइंस कॉलेज में बुधवार को एक प्रोफेसर और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले की शिकायत लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन से खदेड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। एक सप्ताह पहले एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। दो दिन पहले जहां एबीवीपी ने एनएसयूआई के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, वहीं आज एनएसयूआई ने प्रोफेसर आरपीएस चंदेल के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सिविल लाइन थाने का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के आक्रोशित कार्यकर्ता जबरन थाने में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पहले पुलिस ने समझाइश दी और जब कार्यकर्ता आक्रोशित होने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। फिर कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। लगभग 50 लोग थे, मेन बीच रोड पे बैठ गए थे। इन्हें पर्याप्त समझाइश दी गई, इनके द्वारा रोड खाली नहीं किया गया। आवागमन की सुविधा निशंस क्रिएट ना हो, हल्का बल प्रयोग पानी की बछौनों का प्रयोग किया गया। तो इसके बाद एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम, लेकिन उस दौरान 50 के लगभग थे, लगभग 25 के लगभग पुलिस की गाड़ी में गिरफ्तारी करके ले गए। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक प्रोफेसर आरपीएस चंदेल के खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। साइंस कॉलेज में 3 तारीख की घटना, पुलिस ने जब यहां पर हमें अपने रिपोर्ट दर्ज कराने आए तो पुलिस ने हमारे बल प्रयोग किया, हमारे ऊपर पानी वो फेंका और कई कार्यकर्ता हमारे घायल हो गए। और बहुत आप देख रहे होंगे आप कैमरों की नज़र में कि वो बुरी तरह घायल हैं। हम ये ऐलान करते हैं जब तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और कॉलेज शहर के बंद रहेंगे। इधर पुलिस ने उपद्रवी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सड़क जाम और हंगामा करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 3 अगस्त को बीएड की काउंसलिंग के दौरान एक छात्र का प्रोफेसर से विवाद हो गया था, जिसके बाद छात्र के समर्थन में जहां एनएसयूआई उतर आई थी, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक आरपीएस चंदेल का समर्थन किया था। तभी से यह विवाद पूरी तरह से उग्र रूप ले चुका था, जिसको लेकर आज तक शहर में प्रदर्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।